गाइस सुनिए क्या साउंड है इस गाड़ी जब इसका इग्निशन स्टार्ट हुआ। रियली मजा आ गया, जिंदगी सफल हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस, वक्त आ गया है वर्चुअल झप्पियां पाने का। तो आज का दिन जो है वो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ स्पेशल विंटेज कार। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे ब्लॉग को पूरा नहीं देखा है तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो गाड़ियां दिखने वाली है जो आपने शायद अपने भविष्य में कभी नहीं देखी होगी। तो गाइस, कुछ पल का इंतजार और चलते हैं विंटेज कार्स को देखने। हेलो गाइस, तो पहुंच चुके हैं होटल जय महल के अंदर और अभी बहुत कुछ एंटरटेनमेंट आपके लिए बाकी है, तो अंदर चल रहे हैं दिखाने के लिए आपको विंटेज कार्स। लग्जरी गाड़ियों का आनंद लेने के लिए जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमें रियल में यकीन आया कि बेशक आज हमारे पास में उस वक्त के कंपेयर में काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ और काफ़ी फीचर्स वाली जो है वो गाड़ियाँ हैं, लेकिन गाइस जब हमने इन गाड़ियों को गौर से देखा तो आज की गाड़ियाँ जो है इन गाड़ियों के सामने कुछ भी नहीं है। हम सैल्यूट करेंगे इनके ऑनर्स को कि जिन्होंने इतने सालों तक इसको जो है वो मेंटेन करके रखा है, और आज भी ये गाड़ियाँ देखने पर ऐसी लग रही थी कि मानो आज ही शोरूम से इसकी जो है वो डिलीवरी हुई है। आप देख पा रहे होंगे फिनिशिंग इसके अंदर, इसकी चमक जो है, और उस वक्त के जो ब्रांड जो थे, उस वक्त की जो डिज़ाइन थी वो आज भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, विंटेज गाड़ियां को देखने के बाद में मन में एक सवाल सा उठा कि काश ये गाड़ी जो है वो मेरे पास में भी होती। जब ये रोड पे चलती है ना तो एक अलग सा ही जो है वो लुक देती है और लोगों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो हर एक गाड़ी के अंदर जो है वो एक यूनिक फीचर था, यूनिक स्टाइल था। किसी में स्टेयरिंग जो था वो लेफ्ट साइड में था, किसी में स्टेयरिंग जो था वो राइट साइड में था। ये है सुल्तान मिर्जा की गाड़ी। तो गाइस, ऐसी गाड़ियाँ अमूमन हमने जो है वो मूवीज़ के अंदर ही देखे थे और आज हमें इन गाड़ियों को साक्षात देखने का मौका मिला। तो हम लोग थैंक यू बोलेंगे इसके ऑनर्स को कि जिन्होंने हमें ये प्राइड दिया कि इतने नज़दीक से इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी जो है उसका लुक भी अलग है, उसकी डिज़ाइन भी अलग है और कहीं से जो है वो एक दूसरे से कॉपी करी हुई नहीं लगती। जबकि आज की गाड़ियाँ आप देखते हो तो फीचर्स और मतलब डिज़ाइन जो है वो अमूमन सबका जो है वो सेम ही लगता है, लेकिन यहाँ देखिए कितना बेहतरीन लुक है गाइस इस गाड़ी का। गाइस, शब्द जो है वो कम पड़ जाते हैं जब ऐसी अनमोल धरोहर को जो है वो देखने का मौका मिलता है। तो गाइस, अभी हम लोग जो है यहाँ के एक गाड़ी के ऑनर से जो है वो इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। तो अगली तो आप थोड़ा सा जो है वो देखिए गाड़ी के फीचर्स के बारे में जो है ये हमें बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि गाड़ी जो है वो किस तरह से इन्होंने जो है वो अभी तक मेंटेन करके रखा है। तो आइए चले सुनते हैं इनकी बात। Thank you.
1953 मॉडल है, पीएल इटली से बनी हुई है और ये जो है 10 साल से रैली मार रही है। यूज करते हैं व्यक्तिगत, घर में काम भी लेते हैं, चलाते भी हैं। क्या एवरेज क्या देती है? क्या एवरेज 14 किलोमीटर है, 11 हॉर्स पावर की गाड़ी है ये, और पहले हर घर में होती थी। 57 तक आई इटली से, बाद में फिर इंडिया से, लॉकडाउन से लेके फिर बाद में 50-50 हो गई थी। तो एक दो गाड़ियाँ आई हैं, उनमें क्या है कि वो इटली की नहीं है। इटली वाली का पहचान ये है कि एयर क्लीनर है और उसका जो डेल को ना छोटा है, आजकल के बड़े डेल को भी एयर क्लीनर फिटी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लाइट है, इसमें लाइट है, खास बात ये है ग्लास है, इसी ग्लास छेद वाले थे उसका, इनको हवा की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम के फटे रहे। टेक्निकल बात ये इसके डाटा भी अलग तरह का पेट्रोल है, पेट्रोल ये 14 किलोमीटर चलती है, 1 लीटर में 14 किलोमीटर।
shoot us.